इन द गिवन फिगर मेजर ऑफ द एंगल, ये हमें फिगर गिवन है ए बी एंड सी. दिस इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट डी एंड दिस एंगल इज एक्स स्ट्रेट है बच्चों. Now you are having in the given figure, if the measure of exterior angle ACD is X, then the value of X is. You are to find the value of X. We are having the options as 100 degree, 135 degree, 140 degree, 150 degree. One more thing you are given in this. A is 90 degree. Correct. How? Let the others tell. Anji, where is your mask, bache? Second boy. Ye 90 hai. What does this symbol indicate? Sides are equal. And what about the angles of equal sides, opposite angles? They are equal. So, ye angle 45 aa jayega because sum of these two will be 90. So, half of 90 is 45 degree. Ye angle aapka 45 aa gaya. ये 45 है तो ये कितना आएगा. दिस इज एन एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर है तो 180 माइनस 45 दैट इज 135. द मेजर ऑफ ईच ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके बेस एंगल्स का मेजर जो है हमने बताना है. हूज बेस एंगल इज डबल द वर्टिकल एंगल. द मेजर ऑफ ईच ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हूज बेस एंगल इज डबल द वर्टिकल एंगल. वर्टिकल एंगल कौन सा होता है? वर्टेक्स पे तो सारे ही बन रहे हैं, ए पे जो बनेगा. ठीक है, दीज आर द बेस एंगल्स. बेस एंगल्स के अलावा जो थर्ड हमारा रह गया दैट इज द वर्टिकल एंगल. अब ये वर्टिकल एंगल इज डबल ऑफ द बेस एंगल्स. इसको अगर मैं एक्स मान लू, ये भी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा. यस, तो क्या आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी? एक्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 45 डिग्री. यहाँ पे आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी तो एक्स आ गया आपका 45 डिग्री. तो वैल्यू किसकी पूछी है उसने? मेजर ऑफ द ईच ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हूज बेस एंगल इज डबल द वर्टिकल एंगल. बेस एंगल इज डबल द वर्टिकल एंगल. क्या गलती की है यहाँ पे? हमने वर्टिकल को डबल ले लिया जबकि बेस एंगल इज डबल द वर्टिकल एंगल. तो क्या आएगा यहाँ पे? एक्स इज इक्वल टू x is equal to 36. सो बेस एंगल कितना आएगा? ठीक है, क्लियर? हाँ जी, whose question दोबारा सुन लो. मेजर ऑफ ईच ऑफ द बेस एंगल्स, यानी कि हमने बेस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हूज बेस एंगल इज डबल द वर्टिकल एंगल. बेस एंगल इज डबल द वर्टिकल एंगल. तो अगर मैंने वर्टिकल एंगल एक्स मान लिया तो बेस एंगल हमारा क्या आएगा? 2x. अब एंगल सम प्रॉपर्टी से 5x = 180, एक्स की वैल्यू 36 आ गई. बेस एंगल क्या है हमारा? 2x है. तो बेस एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x of 36 दैट इज 72 डिग्री. अन्नत म्यूट योरसेल्फ. नाउ द नेक्स्ट, अब हमें गिवन है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी. एग्जाम्स के लिए जो आपके कंसेप्ट है ग्रेटर देन वाला, एंगल्स या साइड्स वाला, दैट यू नीड नॉट डू.
ठीक है, कल हमने वैसे उसके क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं बट एग्जाम्स में नहीं आएंगे, जस्ट फॉर द कंसेप्ट क्लैरिटी, ताकि अगर आगे बड़ी क्लासेस में वो कंसेप्ट आपका यूज होता है तो आपको आता हो. वी हैव डिस्कस्ड दैट क्वेश्चंस. अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी. ए डी इक्वल टू बी सी हमें गिवन है. नहीं, क्वाड्रिलेटरल है. एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए. एंगल डी ए बी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, यानी कि ये वाला एंगल. ये दोनों इक्वल हमें गिवन है. इफ एंगल सी ए बी इज 30 डिग्री, एंगल सी ए बी ये हमें गिवन है 30 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, दिस इज योर पॉइंट ए, वी आर टू फाइंड दिस एंगल. क्या करें? हाँ जी, क्यों? एक सेकेंड. कहाँ पे? क्यों? क्या इक्वल गिवन है? हाँ, फुल एंगल इक्वल गिवन है ना. हमें ये नहीं पता कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है. हमें जो है पहले देखना पड़ेगा किससे क्या आएगा. हाँ, कैसे करोगे? हाँ जी, एक 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 करके बोलो बेटा. 30 का वाई नहीं, मुझे वो उसका एंगल बाइसेक्टर थोड़ा गिवन है. कहा? किसमें? हाँ, वो हमें पैरेलल गिवन है, इक्वल गिवन है हमें. ए बी डी एंड कैसे? यू आर सेइंग दिस ए बी डी, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, इन दोनों को कह रहे हो. ओके, कैसे? हाँ जी, कॉमन हो गई. हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी बेटे, ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल सेम. थर्टी एक्स कौन सा लिखा है मैंने? क्वेश्चन मार्क. अच्छा, चलो इसको मैंने एक्स कर दिया. ठीक है. हाँ, ये क्या है? क्यों? कैसे? क्वेश्चन ध्यान से सुनो दोबारा से. ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए. इफ एंगल सी ए बी इज 30 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी. ऑप्शन आर 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री एंड 130 डिग्री, 35 डिग्री. ऑप्शन 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. क्यों? हाँ जी, हाँ. तो क्या हो गया? क्या प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम? किस बेसिस पे हम ये चीज कह रहे हैं? ये 360. हाँ जी,
हाँ तो फोर इक्वल पार्ट्स थोड़ा आएंगे बेटे. बाइसेक्ट भी नहीं हम कह सकते, दे आर इंटरसेक्टिंग. आप कह, अगर बाइसेक्ट आप कहते भी हो तो कैसे, कोई रीजन होना चाहिए ना उसके लिए. हाँ जी एक्स नहीं ना ले सकते मेरे ख्याल, अगर ये एक्स है ये एक्स होएगा, ये वाई है तो ये वाई होगा. वर्टिकली ऑपोजिट हम इक्वल ले सकते हैं, बट ये चारों हम इक्वल नहीं ले सकते अंटिल और अनलेस हम इसको या तो पहले प्रूव करें या फिर हम हमें गिवन ना, गिवन होगा देन लेंगे या पहले उनको प्रूव करो somehow. नहीं वो तो किसी बच्चे ने कहा था तो मैंने कर दिया. आप बताओ क्या था? चलो अगर एक लेते हैं हम ए बी सी और दूसरी हम लें बी ए डी, इसको चेक करो. ये इक्वल गिवन है, ये कॉमन और ट्राइंगल्स क्या हो गई, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट अब कौन सा लोगे बताओ, कौन सा लोगे मैंने कहा. ये 30 डिग्री है, कौन सा नीचे वाला, ये क्यों. हाँ जी ठीक है, ये 30 आ गया तो ये एंगल 30 आ गया आपका, तो ये कितना, बिल्कुल ठीक है, ये कितना आ जाएगा 110. गॉट दिस. ध्यान से देखा करो कहाँ क्या चीज यूज हो रही है. ठीक है, हमें एक ये साइड गिवन थी, हमें एक ये एंगल गिवन था, तो अकॉर्डिंगली हमें चेक, ये पूरा एंगल गिवन था, ये एस है, ये ए है, और कोई ए थर्ड कंडीशन मतलब ए ए एस वाली या अगर हम लगाते हैं तो वो हमें, या ए एस ए वाली लगाते हैं, वो गिवन नहीं था. तो इट मींस थर्ड कंडीशन ये साइड मुझे समहाउ लेनी, ये साइड लेनी है, तो ये किसमें कॉमन बन रही है, इन दो ट्राइंगल्स में. ठीक है, थोड़ा सा अपनी जो आप थिंकिंग है उसको ब्रॉड करो, कहाँ जो प्रूव करना है उसको दिमाग में रख के चलो, वहां से अगर आपको स्टेप्स बैक जाना पड़े तो आप क्या करोगे. ठीक है, दोनों तरीके से सोचो. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर, अब ये थोड़ी सी फिगर कॉम्प्लिकेटेड है, आई एम जस्ट मेकिंग इस. क्वेश्चन सुन लो पहले फिर फिगर बनाऊंगी तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. In the given figure, AC is equal to AE, AB is equal to AD, and angle BAD is equal to angle EAC. If angle ACB is 40 degree, then the measure of angle AED you are to calculate. ये given है मुझे figure. इसमें मुझे ये point D given है. ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल है, सिंगल ये मैंने इसमें लगा दिया. देन ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है और ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है. ए सी इक्वल टू ए ई, ये गिवन वाले कंडीशंस बता रही हूं मैं. ए बी इक्वल टू ए डी और थर्ड गिवन है बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी. देन मुझे एंगल ए सी बी गिवन है 40 डिग्री एंड आई हैव टू फाइंड आउट द एंगल ए ई डी. देखो अब क्या क्या इक्वल है, ये और ये इक्वल है, देन ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है. अच्छा एंगल ए सी बी
ये वाला एंगल मुझे गिवन है 40 डिग्री और ए ई डी ये वाला एंगल मुझे निकालना है। किस किस को? ए बी सी एंड बिल्कुल सही, इसको एंगल वन ले लो और इधर ऐड कर दो। ये ऑलरेडी आपको इक्वल गिवन थे, ये एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री मुझे ऑलरेडी गिवन था। इफ इसमें मैं एंगल वन दोनों साइड पे ऐड करूं तो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल। ठीक है, तो टू प्लस वन किसके इक्वल आ गया? थ्री प्लस वन। अब क्या कौन कौन सी ट्राइंगल लेंगे? अब देखो ये साइड, ये वाली इस वाली के इक्वल गिवन थी और ये वाली साइड जो है ये इसके इक्वल गिवन है। अब ये वाला एंगल मैंने पूरा ले लिया, अब मैं एक कलर से एक ट्राइंगल बना रही हूँ। ये साइड, ये एंगल, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, ये एंगल एंड ये साइड। अब बताओ ट्राइंगल्स कौन कौन सी आई? ए बी सी एंड ए बी सी ली हमने और ए बी किसके इक्वल है? ए डी के। तो दूसरी ट्राइंगल कौन सी लेके चलोगे? अब चेक कर लो एक बार कंडीशन सही है आपकी। ए बी इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए ई, सही सीक्वेंस लिखा है। तो कौन सा कंसेप्ट लगा? एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल्स आ गई आपकी कॉन्ग्रुएंट, तो क्या हुआ? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ई आएगा, एंगल सी 40 डिग्री है तो एंगल ई भी कितना आ जाएगा आपका? 40 डिग्री। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ये हो गया नोट डाउन, फिगर बना लेना जो गिवन है वो लिख के साथ में आंसर मार्क कर लो। चले अगले पे। अब ये वन मार्क वाला क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज 70 डिग्री, बी इज 45 डिग्री। ट्राइंगल एबीसी हमें गिवन है जिसमें एंगल ए गिवन है 70 डिग्री, एंगल बी गिवन है 45 डिग्री। कल भी किया था ऐसा हमने क्वेश्चन। और शॉर्टेस्ट साइड हमें बतानी है ट्राइंगल की, कौन सी होगी? ये वाला। इन द गिवन फिगर ए सी इज इक्वल टू ए ई, बच्चे प्रीवियस वाले की स्टेटमेंट में एक बार रिपीट कर रही हूँ। इन द गिवन फिगर ए सी इज इक्वल टू ए ई लिख लिया, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। इफ एंगल ए सी बी इज 40 डिग्री देन फाइंड एंगल ए ई डी। क्लियर? ए बी इक्वल टू ए डी था, देन एंगल दिस, ये वाला फुल एंगल इस वाले एंगल के इक्वल था। इसको बेशक नेम दे दो, बी ए सी इज इक्वल टू डी ए ई। और थर्ड कंडीशन थी आपकी साइड्स की, ए सी इज इक्वल टू ए ई। ठीक है, तो ऐसे एस कॉन्ग्रेंसी से ट्राइंगल था। फिगर की जरूरत है, क्या कंसेप्ट लगाएंगे इसमें? इस वाले पे आप वापस आओ। ये हो गया बच्चे, इरेज कर दो। हाँ जी बोल लो बच्चे। ओके, ए सी इज द शॉर्टेस्ट एंड बी सी इज द लॉन्गेस्ट। वैसे उन्होंने सिर्फ शॉर्टेस्ट पूछी है, तो ए सी इज द शॉर्टेस्ट। कैसे? एंगल सी निकाल लोगे, क्या लगाओगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या आएगा एंगल सी? 65। अब सबसे बड़ी साइड ये है इसके ऑपोजिट वाली और सबसे छोटी साइड इसके ऑपोजिट। ठीक है,
जो साइड ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट एंड साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल इज स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट. तो ए के ऑपोजिट कौन सी साइड होगी? बीसी. लॉन्गेस्ट उन्होंने नहीं पूछा तो नो नीड टू फाइंड आउट दिस. बी के ऑपोजिट वी विल बी हैविंग द साइड एसी. तो शॉर्टेस्ट साइड इज एसी. Now the next question. अब ये सारे आगे shortest और longest वाले given है. ये आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो. orally बताओ मुझे. In right angle triangle the longest side is hypotenuse. Now moving on to the next. It is given that ABC is congruent to FDE. Triangle ABC is congruent to triangle FDE. ये दोनों ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट गिवन है. आगे वो कह रहे हैं इन विच ए बी इज 5 सेंटीमीटर एंगल बी इज 40 डिग्री एंगल ए इज 80 डिग्री. ये हो चुके. ओके फाइन ठीक है. देन ये भी देख लो आगे. इन द गिवन फिगर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर and OQ is equal to OR. ये हमें given है. Then what is the ratio of angle PQO with angle PRO? Ratio of PQO is to PRO. क्वेश्चन है हमारा कि इन द गिवन फिगर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर एंड ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर देन फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल पी क्यू ओ रेशियो एंगल पी आर ओ. हाँ जी वो हो गया. वो कह रहे थे सब की पहले किया हुआ है मैंने इसीलिए क्वेश्चन बीच में ही उसका सॉल्यूशन अबॉर्ट कर दिया. ठीक है किसके? हाँ है 1:1, 2:1, 1:2, 1:3 बोथ आर इक्वल. रेशियो विल बी 1:1 बाय देखो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर गिवन यानी कि ये बड़े वाले एंगल्स इक्वल हो गए. उसके बाद वो कह रहे हैं ओ क्यू इक्वल टू ओ आर यानी कि छोटे वाले एंगल्स भी इक्वल हो गए. अब बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दोगे तो ये वाले एंगल्स भी इक्वल हो गए. तो एंगल्स की रेशियो इक्वल है तो रेशियो विल बी 1:1. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है फिगर हमें ए बी सी in which AB is equal to AC. ये angle हमें given है X. This is 66 degree and 78 degree. एक एक करके वो 180 अच्छा ओके. यू आर सेइंग वी आर फाइंडिंग दिस एंगल 102 आ गया. आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये 66 तो ये भी 66. एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो या एक्सटीरियर एंगल वाली की लगा सकते हो. वैसे तो ये ना भी निकालते तो ये 66 था ये भी 66 आ जाना था. ये एंगल आपके पास है ऑलरेडी तो एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के आप कर सकते हैं 12 डिग्री.
हाँ जी क्यों बच्चे ये 78 है ये 66 है, 78 माइनस 66 तो x की वैल्यू आएगी 12, ठीक है। हाँ जी ठीक है बच्चे, बातें नहीं करनी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, गिवन ए फिगर वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, ये कर दूं इरेज, समझ आ गया। Find the value of a plus b. Options are 110, 120, 130, 150. क्या? कौन सा इंटीरियर है? क्यों? एंगल ए बी सी क्या आएगा? क्यों? किसकी 75 आई? हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक है, ये साइड इसके इक्वल गिवन है तो ये दोनों एंगल्स सेम होंगे। ये अगर ए है तो ऊपर वाला भी ए आ जाएगा, ये भी ए आएगा, क्या आएगा आगे 75 डिग्री आ जाएगी दोनों की वैल्यू एंगल सम प्रॉपर्टी से, ए प्लस 30 इज 180 तो ए की वैल्यू आ गई 75, ये 75 आ गया। अब बी की वैल्यू बताओ, अब ये साइड की इक्वल गिवन है तो ये बी हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 45, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी? क्वेश्चन में जो भी गिवन है, फिगर गिवन है या वर्ड्स में स्टेटमेंट गिवन है, उसको ध्यान से पहले समझो। यहाँ पे मुझे लाइंस पैरेलल नहीं गिवन जो आप कह रहे हो कि ये 90 हुए, इज दैट क्लियर? तो फिगर देख के आप एंगल का मेजर नहीं कैलकुलेट करोगे, कंसेप्ट यूज करोगे कि क्यों क्या चीज कैसे है। ये बेशक फिगर में यहाँ पे ऐसे गिवन है तो ये मुझे मेंशन्ड नहीं है कि बोथ ऑफ दीज आर इक्वल टू 90, मुझे मेंशन्ड क्या है ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में ये बेस एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एक एंगल गिवन है तो इक्वल एंगल्स है बाकी दो, तो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज इक्वल एंगल्स, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 75 डिग्री। अब सेम वे में ट्राइंगल बी सी डी में ये दोनों साइड्स हमें इक्वल गिवन है तो ये दोनों एंगल्स आपके अगेन इक्वल होंगे, एक एंगल गिवन है तो आई कैन फाइंड आउट द इक्वल एंगल। उसके बाद अगेन बच्चे कहाँ गलती करते हैं, ए और बी पे छोड़ देते हैं, आंसर ए इतना आ गया बी इतना आ गया, बट ही हैज आस्क्ड अस द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, तो उनको एडिशन आपने आंसर जरूर दे। बी की वैल्यू बच्चे ये 90 डिग्री का एंगल था तो बी प्लस बी प्लस 90 इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे भी, 2b इक्वल टू 90 तो b इज इक्वल टू 45। राइट ट्राइंगल में व्हेनेवर द परपेंडिकुलर साइड्स आर इक्वल अदर देन हाइपो, जो दो साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, तो ये एंगल 45 डिग्री इज, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगेन इन द गिवन फिगर वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ये इरेज कर दूं, हो गया ये वाला, समझ आ गया।
Now I am given the triangle PQR. इसमें इसको एक्सटेंड किया. दिस एंगल इज गिवन टू बी 128 डिग्रीज. देन ये गिवन है हमें एस टी. दिस एंगल इज बी. दिस एंगल इज ए. We are to find the value of A plus B. P T S. Okay. ये 128 है तो ये कितना आएगा स्ट्रेट लाइन से. ये आ गया 52. अब ये दोनों इक्वल है तो ये भी x और ये भी x. x की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट स्टेप किसको? ओके ये आ जाएगा. फिर हाँ जी ये आ जाएगा. फिर ओके वी विल डिस्कस दिस टुमारो because I am having my next class also. This question we will complete tomorrow, bache. This you are to solve yourself. Then we will discuss.